Functions of inner ear. We have been discussing the sense of hearing. And the organ for hearing is the human ears. The middle ear catches the airborne sound waves which reach the tympanic membrane at the end of the auditory canal, which we have already seen. दिस सेट इन टू वाइब्रेशन दिस मेम्ब्रेन तो ये जो पर्दा है ये उस हवा के प्रेशर से वेव से हिलता है और इस हिलने या वाइब्रेशन को जो मिडल ईयर के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं इस मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ वहाँ तक ये वाइब्रेशन पहुँचती है द मिडल ईयर इज़ अ स्मॉल कैविटी छोटी सी स्पेस है टू क्यूबिक सेंटीमीटर की और ये इनर मिडल ईयर को और हमारे जो आउटर ईयर है यानी जो हमें नज़र आते हैं उनको सेपरेट करता है इस कैविटी में बोन्स हैं जिन्हें ओसेसल्स कहते हैं ये तीन छोटी छोटी बोन्स हैं और ये जिसम की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं इनका नाम है मेलियस जिसको हम हैमर कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल हैमर की तरह है और इस ये हिलता है सबसे पहले जब कैनाल में से साउंड वेव आती है क्योंकि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है तो मेम्ब्रेन हिलता है इसकी वाइब्रेशंस इसकी थरथराहट जो है वो इनकस या दूसरी जो बोन है उसे पहुंचती है जिसे एनविल भी कहते हैं क्योंकि इसकी शकल एक एनविल की तरह की है और इसके बाद जो उसकी वाइब्रेशन है वो आगे स्टेरप या स्टेप्स जो तीसरी बोन है क्योंकि वो एक नाल जो होती है उसकी शक्ल की होती है तो जैसा कि हम देख रहे हैं इन बोन्स की जो शेप है वो जहाँ से आपको वाइब्रेशन आ रही हैं ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं इस वाइब्रेशन को अब आगे कन्वे है ताकि ये सिग्नल चेंज हो और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील हो जिसको हम ब्रेन तक भेज सकते हैं ये हड्डियाँ ऑसिल्स इसलिए ज़रूरी हैं कि जो हमारा अंदर का कान है उसमें सिर्फ कॉकलियर फ्लूड है यानी एक फ्लूड है उसके अंदर लिक्विड है जबकि जो मिडल और आउटर ईयर है उनमें सिर्फ हवा है तो अगर वाइब्रेशंस जो हैं वो हवा से इस फ्लूड में पहुंचेंगी, तो ये हड्डियाँ ना हो और ये वाइब्रेशन को मेम्ब्रेन के ज़रिए पहुंचाने का तरीका ना हो तो जब वो एयर से मॉलिक्यूल उनके वाटर में जाएंगे तो आपको पता है आवाज़ कैसे सुनाई देगी जैसे आप अंडर वाटर हो और सरफेस पे बाहर जो लोग हैं पानी से वो आपसे बात कर रहे हो तो पानी के अंदर जिस तरह की आवाज़ आएगी ना उस तरह आएगी ये हड्डियाँ इसलिए ज़रूरी हैं कि ये इस इफेक्ट को उस थरथराहट को क्रिएट करें और एयर से लिक्विड फिल्ड इनर एयर तक जो मूवमेंट पहुँचे वो आपको सुनाई दे सके ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं वाइब्रेशन जो है एक तो वो मेम्ब्रेन पे फोकस हो जाती है तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है दूसरा लिवर एक्शन जिस तरह होता है कि अगर आपने कोई भारी चीज़ उठानी है तो आप उसके नीचे एक फुलक्रम रख लेते हैं तो फिर जब आप दूसरी तरफ से पुश करते हैं तो वो उठ सकता है ये लिवर एक असूल है फिजिक्स का बुनियादी सब जानते हैं तो ये हड्डियाँ जो हैं वो इस तरह का एक्शन क्रिएट कर देती हैं इनर ईयर बहुत अहम है क्योंकि असल में वही आपके ब्रेन तक साउंड के सिग्नल पहुँचाता है इनर ईयर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो लिक्विड फिल कोकलियाँ है ये एक स्नेल की तरह का घूंगे की तरह का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो लिक्विड है वो हिलता है वाइब्रेशन होती है हड्डियाँ जो ओवल विंडो के साथ वाइब्रेट करती हैं अब अगर इसमें हम ए तस्वीर को देखें मार्क ए ये एक पार्शली अनकोइल्ड कोकली है वो घूँ को आपने खोल दिया है और बी जो है ये एक फुली अनकोइल्ड है अगर आप इसको पूरा फैला दें बजाय गोल होने के तो ये ये शक्ल होती है इसके अंदर एक्चुअली जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन एक और पड़ता और ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है इनर ईयर में हेयर सेल भी होते हैं ये दो तरह के होते हैं इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल सिलिया जो है ये टॉप ऑफ सेल्स पे होते हैं और यहाँ साउंड जो है वो एक्ट करती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्योंकि अभी तक तो वाइब्रेशंस और प्रेशर था और वाइब्रेशंस जो हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं तो ये तकरीबन 3,500 इनर हेयर सेल्स हैं और 12,000 आउटर हेयर सेल्स हैं बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ये ऑर्गन ऑफ कोटी को सपोर्ट करता है और साउंड के रिस्पॉन्स में ये वाइब्रेट करता है तो ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये इन हेयर सेल्स पे तना हुआ है एक तरह से ये कोकलिया का क्रॉस सेक्शन है ये बी में क्लोजअप है ऑर्गन ऑफ कोटी का ये दिखा रहा है कि किस तरह ऑर्गन ऑफ कोटी जो है वो बेसिलर मम्ब्रेन के ऊपर जो है वो रेस्ट कर रहा है ये बेसिलर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है और ये आपका ऑर्गन ऑफ कोटी जो है ये इसके ऊपर है ये भी और ये भी और ए में ये आपको कोकलिया को क्रॉस सेक्शन में काट के दिखाया गया डाय सेक्शन में ये जो बालों का हिलना है अगर एक साइड को हिलते हैं तो ट्रांसट्रक्शन शुरू होती है और दूसरी साइड को हिलते हैं तो वो बंद हो जाती है ये इन एंड आउट मूवमेंट जो है प्रेशर चेंजेस लिक्विड में क्रिएट करती है इसकी वजह से ऑर्गन और कोटी जो है उसकी अप एंड डाउन वाइब्रेशन होती है और जैसा कि हमने अभी एरो में देखा था अपोजिट डायरेक्शन से ई चार्ज जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं तो उसके बाद कोई ई एन फ्यू फ्लो और कोई ट्रांसमीटर रिलीज नहीं होती ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है कॉकलियर पार्टीशन आ, से दो होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है वो अप एंड डाउन वाइब्रेशन करता है और जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो भी आगे और पीछे हिलता है तो ये दो मोशन जो है इससे सीलिया के जो इनर सेल हैं वो हिलते हैं और इससे जो सराउंडिंग लिक्विड है उसमें वाइब्रेशन होती है और फिर ये आगे जाके जो हेयर सिलियाँ वो एन चैनल्स को खोलती है एक तरफ़ की मूवमेंट से चैनल खुलते हैं और एन फ्लो होता है जबकि दूसरी तरफ से नहीं होता जो सिलिया की मूवमेंट है वो बहुत ही मामूली सी दरकार होती है हमें आवाज़ को सुनने के लिए हमारा जो साउंड सिस्टम है हमारा जो हेयरिंग का सिस्टम है वो बहुत ही मामूली से साउंड प्रेशर की चेंज को डिटेक्ट कर लेता है इतनी स्मॉल के ईयर ड्रम में टेन से एलेवन सेंटीमीटर तक की मूवमेंट सिर्फ वाइब्रेशन वो है, इतना सा हिलता है सिर्फ और ये इतना सा हिलना जो है ये इतना कम है जैसे कि हाइड्रोजन एटम का डाया हो और हम सब जानते हैं कि एटम कितने स्मॉल होते हैं एयर प्रेशर जो हमारे थ्रेश पे है वो टेन टू फिफ्टीन डेसीबल तक के प्रेशर को जो जनरेट हो रहा है वो एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से जो आ, में जो हो रही है उसको डिटेक्ट कर लेता है अगर हमारी हेयरिंग इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होती जितनी के अभी है और भी हिसास होती तो शायद हम एयर मॉलिक्यूल की कोलाइडिंग की हिस को भी सुन लेते ये वो साउंड है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हमारी सेंसिटिविटी उतनी ही है कि हम हर उस आवाज़ को सुन सकें जो हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम उन आवाज़ों को भी सुने जो हर वक्त कायनात में होती रहती हैं तो वो हमारी जो ज़रूरी हेरिंग है उसके साथ इंटरफेयर करेंगे जैसे कि ये आवाज़ थी